नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और सक्सेस स्टोरी, और इस सक्सेस स्टोरी के अंदर है भगवान के ऊपर किया जाने वाला विश्वास। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिख करके भेजा है। ये स्टोरी है नीतू की और इन्होंने शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, और थंबनेल में आपने जो फोटो देखा है ना, वो भी नीतू ने ही मेरे साथ में शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखती हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं जब भी नेगेटिव होती हूँ तो मैं आपकी वीडियोज देखती हूँ, वो अलग सा ही पॉजिटिव साइन देती है मुझे। मैम, एक स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली एक नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब कुछ एक्सपोज नहीं कर सकती, पर जो बता सकती हूँ वो आपको बताती हूँ। 4 दिन पहले जब मैं पूजा कर रही थी, और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं बाहर जाती हूँ तुलसी जी में जल डालने के लिए। मुझे उस वक्त 3 बटरफ्लाइज दिखती हैं, ब्लैक जो बड़ी है और 2 छोटी छोटी लाइक उनके बेबी हैं, पर वाइट कलर के उनके ऊपर डॉट्स हैं। मैं 5x5x5, 3x33, 7x7x7, 5 senses वाली मेडिटेशन और क्लेम मंत्रा की चैंटिंग, ये सब कुछ फॉलो करती हूँ, और मुझे रेपिटेटिव नंबर्स भी दिखाई देते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा, उस दिन थर्सडे था, तो मैंने बस मन में ही बोला, यूनिवर्स, मुझे रोज सेम कलर के बटरफ्लाई दिखते हैं, मैं इसे आपका साइन मानूँ या ये समझूँ कि ये यहीं कहीं रहते हैं। अगर आपका साइन है तो आज थर्सडे का दिन है, मुझे येलो कलर, क्योंकि थर्सडे को येलो की यानी कि विष्णु जी की पूजा की जाती है, तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई देखनी है, तब मैं समझूंगी कि ये बटरफ्लाई मुझे ऐसे ही नहीं दिखती हैं और यहाँ रहती हैं, सिर्फ इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ और बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मैम, मैं जल डालकर प्रसाद चढ़ा करके अंदर आई, और उसके बाद जब मैं बाहर गई तुलसी जी में जल डालकर मैं जैसे ही अपने रूम में जाने लगी, मैम, मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं बस रूम में इन ही करने वाली थी, एग्जैक्टली उसी टाइम येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने मुझे टच करके क्रॉस किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैम नीतू, देखिए उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी भेजा है, क्योंकि आप लोग जो सक्सेस स्टोरीज भेजते हैं ना, उसको मैं कॉपी करके अपने पास रख लेती हूँ, और दिख नहीं रहा, इतना लाइट है इसके अंदर। आई विश कि मैं आपको दिखा सकती। दिखाना, ये देखो यहाँ इनका नीतू नाम भी लिखा हुआ है। एंड नीतू, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और इस तरीके से होता है, देखिए जब आप विश्वास करते हैं, काली और ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई थी, उसके बाद वाइट डॉट्स वाली बटरफ्लाई इनको डेली दिखती थी, और इन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहीं रहती हैं इसलिए मुझे दिखती हैं, और इन्होंने कहा, यूनिवर्स मुझे दिखाइए क्या ये साइन है। तो इन्हें वो येलो कलर की बटरफ्लाई थर्सडे वाले दिन, क्योंकि इनके माइंड की हम रहते हैं, हम जैसी फैमिलीज में होते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई होती है ना, थर्सडे को येलो कलर, हम जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमें ये बोला जाता है, मतलब प्रसाद भी उसी कलर का चढ़ाया जाता है ना, बेसन के लड्डू बनाना, तो वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई देखनी है, क्योंकि आज थर्सडे है, विष्णु जी की पूजा होती है। और जब ये जल डाल करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो वो येलो वाली जो बटरफ्लाई थी वो इन्हें टच करके निकली। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, और इट्स ब्यूटिफुल। और इन्होंने जो थंबनेल में फोटो दिया है, वो भी शंकर जी का फोटो है, और वहां पर भी आपको एक बटरफ्लाई जरूर दिखेगी। थंबनेल नहीं देखा ना तो एक बार थोड़ा गौर से देखना, आपको वहां पर भी एक बटरफ्लाई दिखेगी। और आई एम रियली वेरी हैप्पी, पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, जब मुझे ऐसे साइंस के बारे में पता चलता है तो मैं तो ऐसे ही खो जाती हूँ। तो जब आप ऐसे विश्वास करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, आपका जो विश्वास होता है वो पक्का हो जाता है, तब आप जाकर के जब बातें करना शुरू करते हैं ना, अच्छा चलो तो बताओ, तो आपसे ना उस तरीके की, जब मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ में ये बात की है ना कि यूनिवर्स के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, तो जब आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं। इन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की हैं, 5x5x5, 3x33, 7x7x7, 5 senses वाला मेडिटेशन, ये भी मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। क्लीम मंत्रा का चैंट कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इन सब के जो लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं देखा है। और अगर आप 5x5x5, 3x33, 7x7x7 ये
तीनों जो टेक्निक्स हैं कर रहे हैं तो एक एक हफ्ते का गैप लेकर के करें, एक साथ आपको टेक्निक्स नहीं करने हैं। 5x5x5 कर रहे हैं तो 3x3x3 साथ में नहीं करना है, एक हफ्ते का गैप लेकर के करें, और 7x7x7 भी एक हफ्ते का गैप लेकर के करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब टेक्निक्स लगाते हैं या खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं यूनिवर्स के साथ में, तो वो भी आपसे बातें करना शुरू कर देता है। अपने आप से ना ढेर सारा प्यार किया करो। I love you all. Bye.